की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया में बजरंगबली का नाम लेते ही संकट मोचक के चमत्कार की बात सामने होती है। और बात प्रतापगढ़ जिले की करूं तो यहां जिले की हर सीमा पर संकट मोचक का मंदिर देखा जा सकता है। और प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी के आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम आपको सेमली फंटा के पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रतापगढ़ के नजदीक ग्राम असावता से अवलेश्वर के बीच में है। इस मंदिर के अपने प्रसिद्ध चमत्कार है और जो समिति यहाँ मंदिर की व्यवस्थाओं को देख रही है उनकी बात करूं तो ये समिति लोगों को सनातन से जोड़ने की अनूठी मुहिम पर काम कर रही है। समिति के नवाचार लोगों को पसंद आ रहे हैं। समिति में करीब 10 लोग हैं जो यहाँ मंदिर मंडल के विकास के काम को देख रहे हैं। यहाँ सिद्धपीठ मोखमपुरा घोटारसी बालाजी के बाल संत की प्रेरणा से श्री पंचमुखी सुंदरकांड समिति सेमली फंटा द्वारा लोगों के जन्मदिन पर, गृह प्रवेश के अवसर पर, सालगिरह आदि मौकों पर लोगों को घरों व प्रतिष्ठान पर सुंदरकांड पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बदले जो भेंट राशि इन्हें प्राप्त हो रही है उससे मंदिर का विकास कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या को 51 दीपों से श्री पंचमुखी बालाजी की महाआरती श्री सिद्धपीठ धाम मोखमपुरा घोटारसी के बाल संत गुरु जी के सानिध्य में की जाती है। यहाँ इस दौरान काफी संख्या में बालाजी के भक्त मौजूद रहते हैं। मंदिर मंडल के आशुतोष शर्मा ने बताया कि हर पूर्णिमा पर यहाँ पूर्णिमा भक्त मंडल के प्रत्येक सदस्य से 300 रुपए की राशि ली जाती है, जिससे यहाँ महाआरती और प्रसादी का आयोजन होता है। इन्होंने कहा कि 91 भक्त इस काम में जुड़े हुए हैं जो हर माह 300 रुपए ऑनलाइन समिति को भेज देते हैं। यहाँ अभी मंदिर मंडल द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके तहत यहाँ 2 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ जनवरी माह में मकर संक्रांति के पावन पर्व के शुभ अवसर पर 6 जनवरी 2024 से 14 जनवरी तक भव्य रामकथा का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें श्री रामकथा प्रवक्ता सुश्री अमृता त्रिपाठी श्री धाम अयोध्या से पधारेगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। समिति के सदस्यों के मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो आप इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर और सुंदरकांड पाठ व पूर्णिमा भक्त मंडल से जुड़ सकते हैं और मंदिर मंडल को सहयोग कर सकते हैं। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज, प्रतापगढ़।